का सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर का इसका LHS ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए, यहाँ दिया हुआ है x का पावर a इंटू ए माइनस बी बाई में x का पावर b, सॉरी a इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा डिवाइड, फिर यहाँ पे देखिए x का पावर b इंटू बी माइनस ए और बाई में x का पावर b इंटू बी प्लस ए, है ना, और इनके होल पावर है a प्लस बी। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अंदर डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट होगा तो x का पावर यहाँ पर a इंटू ए माइनस बी माइनस का a इंटू ए प्लस बी, डिवाइड है डिवाइड ही रहने देते हैं, x का पावर b इंटू बी माइनस ए माइनस बी इंटू बी प्लस ए और इसका होल पावर है a प्लस बी, हमें वन के इक्वल ना प्रूव करना। चलिए आगे इसे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, x का पावर यहाँ से a कॉमन कर लेते हैं तो a माइनस बी माइनस यहाँ a और यहाँ माइनस हो जाएगा b, फिर डिवाइड x का पावर b कॉमन कर लेते हैं तो b माइनस ए माइनस बी माइनस ए, ठीक है, और होल पावर में है a प्लस बी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ आ जाएगा x का पावर a और यहाँ पर देखिए a से a कट जाएगा माइनस टू बी माइनस टू बी और यहाँ डिवाइड x का पावर b, यहाँ पर देखिए क्या होगा, b से b कट जाएगा माइनस का 2a और पावर में है a प्लस बी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर माइनस का 2ab, यहाँ x का पावर यहाँ हो जाएगा माइनस का 2ab द होल पावर a प्लस बी। तो यहाँ देखो डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ x का पावर जीरो हो जाएगा ना जी, और यहाँ पावर में है a प्लस बी, यानी आ जाएगा x का पावर जीरो यानी वन। ये आपका RHS में ही ना लाना था जी, हमने ला दिया।